हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। फिलहाल हिमाचल भ्रमण अभियान पे मैं आया हुआ हूं मैक्लोडगंज के अंदर, धर्मशाला से जो है लगभग 10 किलोमीटर दूर। यहां पे मेरे साथ आया है मेरा कजन गोविंद, उससे भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज आप यहां पर कौन सा टूरिस्ट स्पॉट देखने वाले हैं। और आज आप जो टूरिस्ट स्पॉट देखने वाले हैं मैक्लोडगंज के पास में स्थित, उसका नाम है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस। तो यह जो चर्च है इसका निर्माण हुआ था 1852 में। जी हाँ, 1852 में इस चर्च को बनाया गया था और इस चर्च को नुकसान पहुंचा था 1905 में आए हुए भूकंप के अंदर। जी हाँ, कांगड़ा वैली के अंदर जो बहुत सारी जगह है, मैक्लोडगंज है, धर्मशाला है, यहाँ की जो बहुत सारी जो प्रमुख इमारतें थी उनको नुकसान पहुंचा था, उसके अंदर वो नष्ट हो गई थी। इस चर्च को भी नुकसान पहुंचा था, काफी नुकसान पहुंचा। और खास तौर पे इसकी जो एक घंटाघर की जो घंटी होती थी वह टूट गई थी 1905 के अंदर, जिसे वापस लगाया गया था 1915 के अंदर। कोरोना काल में क्या चर्च खुला है या हमें बाहर से ही दर्शन करने होंगे, दूरदर्शन ही लिखे हैं, यह अभी हमें नहीं पता है। ये देखेंगे अंदर जाकर। पहले मिलिए आप मेरे कजन गोविंद से। हाँ, तो मेरे प्यारे गोविंद, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। और आज चर्च देखने वाला है, पहले कभी देखा है? नहीं भैया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी चर्च को एक्सप्लोर करना, देखना। और ये काफी पुराना चर्च है, जैसे कि 1852 में बिल्ट हुआ है। अब अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहले तो देखते हैं ये खुला भी है कि नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर। चलिए, इस तरफ से आइए सीढ़ियों से। तो ये जो सेंट जॉन है, ये है जॉन द बैप्टिस्ट, उन्हीं को समर्पित है यह चर्च, उन्हीं के नाम पर है। और इसके पास में जो है देवदार के जो वृक्ष हैं, जो घना जंगल जो है उसके बीच में यह स्थित है। तो इतने प्राकृतिक वातावरण के अंदर जो है आपको यहाँ पे शांति का एहसास तो होता ही है। मैक्लोडगंज से यह ज़्यादा नज़दीक है, धर्मशाला थोड़ी सी यहाँ से दूर है और उसी रस्ते के ऊपर यह स्थित है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरे मित्र के साथ में, तब हम लोग यहाँ से पैदल गए थे मैक्लोडगंज से डल लेक तक, और वापसी में आते हुए पैदल हमने विजिट किया था ये चर्च। तो आज देखते हैं ओपन मिलता है कि नहीं। और यहाँ चर्च के एंट्रेंस गेट के राइट हैंड साइड में ही है ग्रेवयार्ड इस तरफ, और आगे है धर्मशाला जाने वाली रोड। ये देखिए, ये है एंट्रेंस गेट। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1750 मीटर। और ये देखिए आप, घना जंगल। जंगल में मंगल हो रहा है गोविंद? यस। यहां पर देखिए सर्दियों में इस पेड़ के पत्तों का रंग कैसा हो गया है, ज्यादातर जो हरे पेड़ हैं उनके बीच में यह अलग ही दिखाई दे रहा है। और ये देखिए अंदर है जो नज़ारा वो ऐसा है। गोविंद भी वीडियोस बनाने में बिजी है। यह है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस। तो ये देखिए देवदार के वृक्ष को, ये देखिए आप कितना लंबा होता है यह, कितना विशाल है यह, और इसको और क्या बोला जाता है वो भी देख सकते हैं। हिमालयन सिडार, सेट्रस देवदारा। चर्च में एंटर होते ही हमें पहले दिखाई देती है यह घंटी। अब इस घंटी की क्या स्टोरी है वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए इसको अंदर लॉक किया गया है ऐसे। तो यहाँ पर जो आपको अभी मैंने घंटी दिखाई है यह लगी होती थी इस चर्च के ऊपर, लेकिन 1905 में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जिसने इस क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, उसके अंदर यह घंटी भी नीचे गिर गई थी। और जैसा कि मुझे यहाँ आने के बाद में एक अंकल ने बताया था, उनसे पता चला है कि इस घंटी को कुछ लोग चुराकर भी ले गए थे और बाद में रास्ते में ही इसे छोड़कर चले गए थे, तो इसे वापस यहाँ पे लाया गया था और 1915 के अंदर इसे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। तो यह है इस घंटी की कहानी। अब आपको दिखाते हैं चर्च के बाकी के हिस्से कैसे हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए चर्च का सामने वाला हिस्सा। अब देखते हैं थोड़ा और पास से। ये है फ्रंट व्यू चर्च का, गॉथिक स्टाइल में बना हुआ यह चर्च। और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, यहाँ भी एंट्री जो है वो बंद है, नो एंट्री है फिलहाल।
प्रार्थना चल रही है अभी। यहाँ पे इस पानी के अंदर कॉइन्स डाले हुए हैं, यह भी मन्नत वाले कॉइन्स ही हैं शायद। तो अंदर प्रेयर जारी है लेकिन यहाँ से यह बंद है। आइए जरा इसको चारों तरफ से देखते हैं, साइड व्यू कुछ ऐसा है। विजिटर्स के लिए शायद एंट्री बंद है क्योंकि अभी अंदर प्रेयर हो रही थी, जो लोकल क्रिश्चियंस हैं वो अभी प्रेयर कर रहे हैं। ये देखिए यही रोड आगे आपको लेके जाती है धर्मशाला की तरफ, और वहीं से एक रास्ता जाता है नड्डी विलेज की तरफ, डल लेक की तरफ। चलिए अब चलते हैं चर्च के बैक साइड की तरफ, देखते हैं वहां पे क्या है। और चर्च के पिछले हिस्से में है जेम्स ब्रूस जो कि लॉर्ड एल्गिन थे, उनका यह है स्मारक। ये देखिए, और यह स्मारक बनवाया गया था उनकी जो विडो थी लेडी एल्गिन द्वारा, यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। उनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1863 के अंदर धर्मशाला के अंदर ही, इसीलिए उनका जो स्मारक है यहाँ पे बनाया गया। लॉर्ड एल्गिन ने इससे पहले जो अपनी सर्विसेज हैं वो कनाडा के अंदर भी दी थी, चाइना के अंदर भी दी थी, और बाद में फिर वो आ गए थे यहाँ भारत के अंदर। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है यह स्मारक, चर्च के ठीक पीछे है। ये देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है उनके बारे में। और यहां से भी दिखाई देता है वैली का नजारा। यह एक जंगल ही है, जंगल के बीच में ही है यह चर्च, इसीलिए इसका यह नाम है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन वाइल्डनेस। ये देखिए चर्च का पिछला हिस्सा, और इसके ठीक पीछे है यह स्मारक लॉर्ड एल्गिन का, और इसके पास में है यहाँ पर कुछ, अब यह है कोई कब्र है या क्या है ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी गलत बताऊँ उससे बढ़िया है कि मैं आपको बता दूँ मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्यों गोविंद? हाँ भैया बिल्कुल ठीक बात आपकी, जितना सही पता हो उतना बताना चाहिए। रियल बताना चाहिए, नहीं पता हो तो हाथ खड़े कर देने चाहिए ऐसे। अरे भाई मनना है ना बेरा इसके बारे में, तो मैं गलत क्यों बताऊँ। और यहाँ पे है चर्च का ही ग्रेवयार्ड इसी परिसर के अंदर, इस तरफ हैं कुछ ग्रेव्स। ये देखिए, और आप इन पेड़ों की ऊंचाई देखिए जरा, कितने ऊंचे हैं ये देवदार के वृक्ष। और यहाँ पेड़ों के बीच में से झांक रहे हैं सूर्यदेव, और यहाँ पहाड़ों की ठंड के अंदर सूर्यदेव की जब भी धूप मिल जाती है तो बहुत ही सुहानी सुहानी लगती है। तो थोड़ी देर मैं भी यहाँ 5 मिनट धूप का सेवन करूंगा, विटामिन डी का जो कोटा है वो बढ़ाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ये भी धूप का सेवन कर रहे हैं जनाब, अब ये जनाब है या मैडम है ये पता नहीं लग रहा है क्यों गोविंद, लेकिन बहुत ही शांत है ना, वफादार होते हैं भैया ये, स्मार्ट है ये। देखिए अब बाल खड़े कर देते हेयर स्टाइल दे रहा है। चलिए चलते हैं अब सामने की तरफ। तो गोविंद अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हम यहाँ से जो थोड़ा सा झांक पाए हैं उसके अंदर प्रेयर कैसे होती है ये देखने को मिल गया। हाँ भैया बिल्कुल, अभी बाहर से थोड़ा बहुत पता चल गया, आइडिया हो गया। तो यहाँ पर आए थे तब नॉलेज थी 0, और 0 से 10-20 तक तो पहुँचा ही है ना। बिल्कुल भैया, थोड़ी बहुत नॉलेज तो बढ़ती है आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए घूमना चाहिए ना जिंदगी के अंदर। हाँ आपका वो टाइटल भी तो है, यत्र तत्र स्वत्र सर्वत्र सर्वत्र घूमते रहिए घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो आ गए हैं हम अभी चर्च से बाहर इस रोड पर जो आगे जाती है मैक्लोडगंज की तरफ,
और इस तरफ बनने वाली है कोई चीज, वो भी दिखाता हूँ आपको क्या है। चलते हैं इस तरफ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर बनने वाला है एक इको पार्क छोटे बच्चों के लिए। ये देखिए आप, ऐसे हट बनी हुई है मचान टाइप में, और आगे दिखाई दे रहे हैं मिस्टर बियर यानी कि मिस्टर भालू। चलते हैं उनके पास। ये देखिए कार्य प्रगति पर है इस इको पार्क का, डिवाइन धर्मशाला। और हमारा ये बालक जा रहा है उस भालू के पास, मैं भी आ रहा हूँ भैया, दिल तो हमारा भी बच्चा है जी। तो चलिए चलते हैं मिस्टर भालू के पास। छेड़ना नहीं इनको, गुस्सा आ जाएगा। मेरा दोस्त है भालू, मेरा यार, भालू मेरा यार, बड़ा दिलदार। इसको है हनी से प्यार। जी हाँ, शहद का है ये दीवाना और यह बात जानता है सारा जमाना। और इस तरफ आप देख सकते हैं तेंदुए और अजगर को। चलिए चलते हैं वहां भी उसके पास। तो भालू राजा से हो गई थी मुलाकात, अब मुलाकात कीजिए श्रीमान अजगर से, और ये जो अटैक कर रहे हैं श्रीमान तेंदुए इनसे। अभी फिलहाल ये दो ही यहाँ पे लगाए गए हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ और भी लगाया जाएगा, सारे जंगली जानवर यहाँ पे दिखाई देंगे क्योंकि काम अभी शुरू ही हुआ है। तो अगली बार जब आऊंगा मैं, तब हो सकता है यह पूरी तरीके से बन चुका होगा। तो आप भी आए तो देखना मत भूलिएगा। और ये है कहाँ, जो चर्च है इसके बिल्कुल सामने ही है, रोड पे ही अपोजिट साइड के अंदर है। और ये जो मचान है यह भी अभी बन ही रही है, देखिए सीढ़ियां नहीं लगी हैं अभी इसकी। अब इको पार्क से आपको लेके चलता हूँ एक और खास जगह, यहीं पे पास में ही है, वहां आप क्या कर सकते हैं वो आपको वहीं चलकर पता लगेगा। आइए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे है दो याक और ये हैं इनके मालिक। तो भाई साहब आपका नाम? मेरा मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह मैं जानना चाहूंगा याक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कितनी उम्र होती है इसकी? उम्र होती है सर 20 साल। 20 साल। और ये जो याक है इसकी क्या उम्र है? ये 9 साल का है, दूसरा 6 साल का है। ओके, वो 6 वाला है, वो छोटू। तो इनके कोई आपने नाम रखे हैं कुछ? नाम ये सुल्तान और बजरंगी। तो ये है सुल्तान, वो है बजरंगी, ये देखिए आप। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते होंगे, डालना पड़ता सर आदमी ना, लेकिन अगर खाना पड़ता ना, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो? गुस्सा आ जाएंगे तो कुछ नहीं करता, अभी जब तक नाक में रस्सी ना तब तक कोई गुस्सा नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी। और 6 महीने सिखाए हुए हैं, 6 महीने सिखाना पड़ता है इनको। ओके हाँ जी। और इसके लिए खाने में आप इसको क्या देते हैं? घास दाना वगैरह, अनाज। अनाज वगैरह। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो ये जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वैसे नॉर्मली यहाँ नहीं पाए जाते हैं ये? लेह लद्दाख से लाए सर। वहाँ से लाए आप, ये ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, पैदावार वही है ना। तो जो भी यहाँ पे सवारी का आनंद लेना चाहते हैं उनको कितना पे करना पड़ता है आपको? थोड़ा सर जी, बच्चे का 50, बड़े का 100। ओके, धन्यवाद मिस्टर सिंह। ओके सर, थैंक यू। तो एक तरफ है सुल्तान, एक तरफ है बजरंगी, और सुल्तान को देखते मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, रस सुल्तान कर दे चढ़ाई है। लेकिन ये शांत है, ये चढ़ाई नहीं करेगा, आप इसकी चढ़ाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको पे करने होंगे 100 रुपीज। ये देखिए आप, ये कितना शांत है, ये है, इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ आप खिंचवा सकते हैं खरगोश के साथ में फोटोज, ये देखिए छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस का। चर्च के अंदर मैं एंट्री नहीं ले पाया हूँ, मैं ही क्या कोई भी नहीं ले पाया है, वहाँ पे कोई प्रेयर भी हो रही थी, वो किस रीजन से हो रही थी यह हमें नहीं पता, हम अंदर नहीं जा पाए और न मैं आपको दिखा पाया, जिसके लिए यह चर्च प्रसिद्ध है, जो बेल्जियन स्टेन्ड ग्लास हैं जो लेडी एल्गिन ने यहाँ पे डोनेट किए थे। लेकिन फिर भी आपको इस जगह के बारे में मैंने बता दिया है, आप जब कभी घूमने के लिए आते हैं तब आप हो सकता है अंदर विजिट कर सकते हैं। तो यह भी एक स्पॉट है मैक्लोडगंज, जब आप घूमने के लिए आते हैं तो बाय वॉक करते हुए अगर आप डल लेक जाते हैं या नड्डी विलेज की तरफ जाते हैं तो यह रास्ते में ही पड़ता है, और शांति है यहाँ भी काफ़ी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकॉन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को,
इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।